नमस्कार किसान साथियों, क्या आप भी बैंगन की फसल में तना छेदक तथा फल छेदक से परेशान हैं, या फिर बार बार एक ही दवा का छिड़काव कर करके थक चुके हैं, या फिर आप ऐसी दवा ढूंढ रहे हैं जिससे एक बार छिड़काव करने पर ही आपको 100% बैंगन की फसल में तना छेदक से छुटकारा मिल जाए। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज के बाद आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ बैंगन की फसल में लगने वाले बहुत ही खतरनाक तना छेदक तथा फल छेदक कीट के बारे में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही हम लास्ट में कुछ ऐसी दवाएं भी बताएंगे जिनके एक स्प्रे से ही आप 15 से 20 दिन तक तना छेदक तथा फल छेदक से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में ही आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज बहुत सारी अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारी करने वाले हैं और रेगुलर कर भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बैंगन की फसल में तना छेदक का प्रकोप। दोस्तों, बैंगन की फसल में तना छेदक का प्रकोप जब भी होता है तो पूरी फसल को तहस नहस करके रख देता है। यह इतना खतरनाक होता है कि इसे कंट्रोल करना किसानों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, अब बात करते हैं तना छेदक तथा फल छेदक का प्रकोप कब और कैसे होता है। देखिए दोस्तों, बैंगन की फसल को जब आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके 20 से 25 दिन बाद जब फूल आना शुरू होता है, तब बैंगन की फसल में तना छेदक तथा फल छेदक का प्रकोप शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है, फल छटना स्टार्ट हो जाता है, तब फल छेदक बहुत अत्यधिक आतंक हमें दिखाता है। तो इसके रोकथाम के लिए क्या चीजें हमें करनी है वह हम आपको आगे बताएंगे। अब हम जान लेते हैं तना छेदक को पहचाने कैसे, पहचानने के तरीके क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक मक्खी होती है जो कोमल तने के ऊपर बैठती है, देन वहां पर अपने डंक को चुभा देती है। डंक जब चुभाती है तो वहां अपने अंडे छोड़ देती है उस तने के अंदर, उस कोमल तने के अंदर उसके अंडे छूट जाते हैं। उन अंडों से उत्पन्न होता है लार्वा। वह लार्वा धीमे 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 उस तने के अंदर ही जो तने का मटेरियल है उसे खाता रहता है। खाने के बाद होता क्या है कि ऊपर की जो चोटी होती है पौधे की, आपको सूखी हुई दिखाई देती है। जब तना छेदक का प्रकोप होता है तो पौधे की स्थिति कुछ इस तरह दिखाई देती है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरीके से तना छेदक ने यहाँ आतंक दिखाया है और किस तरीके से छेद करके यहाँ से घुसी हुई थी। और देखिए किस तरीके की होती है तना छेदक, जब आप इसे तोड़ करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको यह कीट या इल्ली बैठी हुई दिखाई देगी। इसका सर लाल रंग का होता है और बाकी शरीर ब्राउन रंग का होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने खोखला कर दिया है पूरे एक स्टेम को, एक तने को। ये ज्यादातर कोमल तनों पर ही बैठती है, इसीलिए इसे हम सूट बोरर कहते हैं। सूट बोरर का मतलब होता है चोटी छेदक, यानी चोटी छेदक यह कीट है। इसे तना छेदक भी बोल देते हैं और इसे ही हम लोग फल छेदक कहते हैं। जब यह मक्खी फल पर बैठती है तो वह अपने अंडों को छोड़ती है, देन उनसे लार्वा वहां बनते हैं और वहां जो लार्वा है अंदर से फल को खाका के खत्म कर देता है, खराब कर देता है, जिससे वह अनफिट हो जाता है कंज्यूम करने के लिए भी और मार्केट में बेचने के लिए भी। अब जानते हैं तना छेदक का प्रकोप होने पर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, खेत की साफ सफाई आपको रखनी होगी। खेत के आसपास कोई भी ऐसी फसल ना लगाएं जिससे इल्ली आने का खतरा ज्यादा रहता है, और कोई भी कूड़ा करकट आपको खेत में नहीं रहने देना है। यानी कि जब आपने निराई की है, जो भी निराई करने के बाद अवशेष बचे हुए हैं खरपतवारों के, उनको भी आपको खेत से बाहर निकाल करके जला देना है। इससे किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं हो पाता है। और हाँ, साथ ही आपको फेरोमोन ट्रैप, ये फेरोमोन ट्रैप जो है बैगन के खेत में, यानी एक एकड़ खेत में आपको 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना है। एक एकड़ खेत में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप आपको इंस्टॉल करने होंगे। इससे आपको सूचना मिल जाएगी कब कीट हमला कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। और साथ ही आपको नीम के तेल का भी छिड़काव करना है। 10,000 ppm वाला नीम का तेल आता है, 4 से 5 दिन के अंतराल पर घुमा फिरा कर आपको छिड़काव करते रहना है। औरों का निपटान भी बेहद आवश्यक है। जिस भी तने को और फल को इस कीट ने प्रभावित किया है उसे आपको तोड़ करके खेत से दूर फेंक देना है, या फिर आपको मिट्टी में दबा देना है।
या आप उसे जला दीजिए, क्योंकि तो ये अगर आप खेत में ही छोड़ते हैं तो वह लार्वा फिर से निकल करके किसी अन्य पेड़ की मुलायम शाखाओं में घुसेगा और वहां पर प्रकोप दिखाएगा। इसीलिए इनको तोड़ने के बाद आप खेत से बहुत दूर फेंक दीजिए। साथियों, अब बात करते हैं तना छेदक तथा फल छेदक के प्रकोप को कैसे नियंत्रित करें। हम यहाँ आपको तीन फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। इन तीन फॉर्मूलों में से आप कोई सा भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम लोग पहले फॉर्मूले के बारे में कि पहला कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। पहले कॉम्बिनेशन में सुमिटोमो कंपनी की स्यूमी प्रेम्प्ट रहेगी। इस दवा के अंदर केमिकल जो उपलब्ध होते हैं उनमें पायरी प्रोक्सीफेन 5% प्लस फैन प्रो पैथरिन 15% ईसी उपलब्ध होता है। दोस्तों, इस ह्यूमी प्रेम्प्ट का आपको 25 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग करना है, यानी 15 से 16 लीटर पानी में आपको 25 ml दवा डालनी है। प्लस आपको यहाँ एक और दवा का यूज करना है जिसका नाम है कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP। इसकी जगह आप एसिटा एमेप्रेट 20% SP का भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP आपको धानुका के कालडान में देखने को मिलती है और एसिटा एमेप्रेट आपको इक्का में देखने को मिल जाती है। इन दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा आप 15 से 16 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं, यानी 15 से 16 ग्राम प्रति पंप, यानी 15 से 16 लीटर पानी में आपको 15 से 16 ग्राम दवा उपयोग में लानी है। प्लस आपको यहाँ एक स्प्रेडर का भी उपयोग करना है। स्प्रेडर कोई सा भी हो लेकिन बढ़िया ब्रांड का आपको यहाँ स्प्रेडर यूज करना है। स्प्रेडर वही स्टीकर आपको बढ़िया ब्रांड का यूज करना है। कोई सी भी ब्रांड ले लीजिए लेकिन ब्रांड बढ़िया होनी चाहिए और उसकी मात्रा रहेगी 2 ml। 2 ml आपको यहाँ स्प्रेडर यूज करना है 15 से 16 लीटर पानी में। तो यहाँ मैंने आपको बताया सुमिटोमो सुमिप्रेम्प्ट का आपको 25 ml लेना है, कालडान की धानुका का आपको 15 से 16 ग्राम लेना है मात्रा, और स्प्रेडर आपको 2 ml लेना है। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला 1 अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इस फॉर्मूला 1 को अप्लाई कीजिए और रिजल्ट देखिए क्या रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला संख्या 2 की, कॉम्बिनेशन 2। यहाँ आपको सेजेंटा कंपनी का शिमोडिस इंसेक्टिसाइड यूज में लाना है। इस इंसेक्टिसाइड के अंदर आइसोसाइक्लोसीरम 9.2% W/WDC प्लस आइसोसाइक्लोसीरम 10% W/BDC उपलब्ध होता है। यानी इस दवा के अंदर साइक्लोसीरम 9.2% और साइक्लोसीरम 10% WIW और WIB दोनों उपलब्ध होते हैं। ये जो दवा है सेजेंटा की है जिसका नाम है शिमोडिस इंसेक्टिसाइड। इस शिमोडिस इंसेक्टिसाइड की मात्रा आपको 24 ml प्रति पंप के हिसाब से लेनी है। साथ ही आपको यहाँ एक और दवा का यूज करना है जिसका नाम है एसिटा एमेप्रिड। एसिटा एमेप्रिड 20% SP, इसका आपको 10 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से उपयोग में लाना है। दोनों दवाओं को मिक्स कीजिए, प्लस एक स्प्रेडर भी आपको यहाँ उपयोग में लाना है। 2 ml आपको स्प्रेडर प्रति पंप के हिसाब से डालना है। ये दवा आप यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला संख्या 2 है। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले के बारे में जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला है। यहाँ दोस्तों लेब्रा ब्रिंजेलो नाम का एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आता है, लेब्रा ब्रिंजेलो। इसके अंतर्गत नीम एक्सट्रैक्टेड कुछ केमिकल्स उपस्थित होते हैं जिसमें अजैदी रैक्टन उपलब्ध होता है, अजैदी रैक्टन 5%। दोस्तों इस लेब्रा ब्रिंजेलो को आपको 15 ml प्रति पंप के हिसाब से उपयोग करना है। प्लस आपको यहाँ कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP या इक्का वही एसिटामेप्रिड 20% SP दोनों में से किसी एक दवा का यूज में लाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप एसिटामेप्रिड खरीदना चाहते हैं तो इक्का में आपको एसिटामेप्रिड देखने को मिल जाता है जो कि बढ़िया ब्रांड है। प्लस यदि आप कारटाप हाइड्रोक्लोराइड खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आपको धानुका का कारलान मिल जाता है। दोनों में से आप कोई सा भी एक केमिकल उपयोग कर सकते हैं, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड लगा सकते हैं या एसिटा एमेप्रिड लगा सकते हैं। दोनों की मात्रा 10 से 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से रहेगी और साथ ही आपको स्प्रेडर भी डालना है 2 ml प्रति पंप के हिसाब से। तो ये हमारे रहे तीन फॉर्मूले। इन तीन फॉर्मूलों को आपको उपयोग में ला करके देखना है और आप खुद ही रिजल्ट देख पाएंगे कि किस प्रकार से तना छेदक तथा फल छेदक आपके खेत से कोषों दूर जा चुका है। दोस्तों एक और सुझाव रहेगा, मेरा सुझाव यह रहेगा, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं जब भी आप इन्हें स्प्रे करें तो प्लीज शाम के समय ही स्प्रे करें, दिन में बिल्कुल भी स्प्रे ना करें और सुबह के टाइम भी ना करें।
के समय स्प्रे करें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, ज्यादा तापमान है तो यह दवा काम नहीं करने वाली है, फिर तो आपकी कोई भी दवा हो काम नहीं करेगी। अधिक गर्मी है तो, यदि नॉर्मल गर्मी है तो दवा काम करेंगी, यदि आप इस दवा को धूप में लगाते हैं तो धूप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है तो उस समय दवा काम नहीं करेगी, विपरीत रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है आपके पौधों पर। इसीलिए इसे शाम के समय लगाएं, पूरी नाइट मिलती है उनको, रात मिलती है, ठंडा मौसम रहता है जिससे यह बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक ही फॉर्मूले पर आपको कभी भी डिपेंड नहीं रहना है। यानी कि मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 बताए, इनमें से आपने एक फॉर्मूला को पकड़ लिया, आप बार 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 उसी फॉर्मूले को यूज में ला रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आप एक ही फॉर्मूले को बार 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 उपयोग करेंगे तो कीटों के अंदर रेसिस्टेंसी पावर डेवलप हो जाती है, जिससे वह उस दवा को रिपल करना स्टार्ट कर देते हैं, वह दवा उन पर कोई असर नहीं दिखाती है। इसीलिए आपको ये जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, इनको 8 से 10 दिन के अंतराल पर घुमा फिरा कर छिड़काव करते रहना चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला 1 आपने आज छिड़का, देन फॉर्मूला 2 को आप 8 से 10 दिन बाद छिड़क दीजिए, और फॉर्मूला 3 को आप फिर 8 से 10 दिन बाद छिड़किए, फिर आप फॉर्मूला 1 पर लौट के आ जाइए। देखिए दोस्तों, इससे आपका थोड़ा पैसा तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको कीटों से नियंत्रण मिल जाएगा आपके अपने खेत में। तो दोस्तों, मैंने ये जो फॉर्मूले आपको बताए हैं, इनका उपयोग करके आप अपने बैंगन की फसल से तना छेदक तथा फल छेदक कीट को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बैंगन की फसल में तना छेदक को कैसे कंट्रोल करना है वह आपको बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।